हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 11 ज्योग्राफी। और आज हम देखेंगे महानदी रिवर के बारे में। अब हम पेनिनसुलर रिवर्स स्टार्ट कर दिए और पेनिनसुलर रिवर्स को हम एक एक करके देखेंगे। पहले हम देखेंगे मेजर 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 रिवर्स, चाहे वो ईस्टर्न रिवर्स हो, चाहे वेस्टर्न रिवर्स हो, या फिर मैं कहूँ चाहे वो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाने वाली रिवर्स हो या फिर अरेबियन सी की तरफ जाने वाली रिवर्स हो। एक एक करके सारी रिवर्स को हम कवर करेंगे, ठीक है। और बुक में दे रखा है उससे उतना थोड़ा सा अधिक उससे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो महानदी रिवर, तो ध्यान रखना पहले किधर आती है, ये चीज़ आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए। ये है पेनिनसुलर रिवर। आपको पता है इंडिया में जो रिवर है, ये कई बार मैं बता चुका हूँ, पेनिनसुलर रिवर्स में ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आती है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है। कहाँ पर है ये रही महानदी रिवर। और ध्यान देना, महानदी रिवर पर ही एक डैम बना हुआ है। कौन सा डैम बना हुआ है आपको ध्यान रहना चाहिए, क्लास 10th में आपने पढ़ा था, वो है हीराकुंड डैम, ठीक है। हीराकुंड डैम के बारे में पता होना चाहिए, ये इसी रिवर पर बना हुआ है। ये आपकी महानदी रिवर है, ठीक है। कहाँ पर जाकर गिर रही है, बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले डेल्टा भी बनाती है। और इसी के आसपास एक लेक है, चिल्का लेक, उड़ीसा में खारे पानी की झील है, ये भी आप ध्यान रखना। चिल्का लेक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है कई बार। और चिल्का लेक कैसी है, आपकी सॉल्ट वाटर लेक है उड़ीसा में, इसी के आसपास है, ये भी आप ध्यान रखना। इस पर डैम है, कौन सा डैम है, हीराकुंड डैम, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। इसकी महानदी रिवर की बात करें तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ध्यान देना रायपुर डिस्ट्रिक्ट। तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल भी क्या है, छत्तीसगढ़ की रायपुर ही कैपिटल है, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी जगह से ओरिजिनेट होती है, तो ये जो रिवर है छत्तीसगढ़ में जो रायपुर है उसके पास एक जगह है सिहावा, सिहावा के पास से मतलब ये ओरिजिनेट होती है महानदी रिवर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। फिर ये उड़ीसा के होते हुए थ्रू करती है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के होते हुए फ्लू करती है और फाइनली कहाँ पर डिस्चार्ज करती है अपने पानी को, ये डिस्चार्ज करती है बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करने से पहले ये कई सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है और मतलब डेल्टा का निर्माण करती है। इसकी टोटल लेंथ है 851 किलोमीटर, इसकी टोटल लेंथ है। और इसका जो कैचमेंट एरिया वो फैला हुआ है 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है। सम नेविगेशन इज कैरिड ऑन द लोअर कोर्स ऑफ दिस रिवर, मतलब इसका जो लोअर कोर्स है, नीचे वाला जो कोर्स है, वहाँ पर कुछ नेविगेशन का सिस्टम भी है। नेविगेशन मतलब वहाँ पे बोटिंग और ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर, तो वो नेविगेशन मतलब पानी में जो वाटर वाटरवेज जो होता है उसकी फैसिलिटी अवेलेबल है कहाँ पर, लोअर कोर्स में, ठीक है। और ध्यान देना, इस रिवर बेसिन का, कौन सी रिवर बेसिन का, महानदी रिवर बेसिन का 53% जो ड्रेनेज बेसिन है वो तो आता है मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में, और 47% जो ड्रेनेज बेसिन है इसका वो उड़ीसा में आता है। ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। पहली बात तो ध्यान रखना, ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, छत्तीसगढ़ में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, रायपुर, जगह कौन सी, सिहावा के पास से ओरिजिनेट होती है, उड़ीसा के थ्रू फ्लो करती है और कहाँ पर जाकर गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में। लेंथ कितनी है, 851 किलोमीटर। कितना कैचमेंट एरिया है, 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसके लोअर कोर्स में कैसी फैसिलिटी पाई जाती है, नेविगेशन की फैसिलिटी पाई जाती है। इसका 53% जो ड्रेनेज बेसिन है वो दो स्टेट में आता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और 47% कहाँ पर आता है, उड़ीसा में। तो बहुत ज़्यादा ड्रेनेज बेसिन इसका कहाँ पर है, उड़ीसा में। थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन और आप याद रखना, कौन सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, नंबर एक, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं और राइट बैंक, जैसे मान लो यहाँ कहीं से ओरिजिनेट हो रही है तो ये इधर जा रही है, तो आप ऐसे इधर की तरफ सामने देखो, इधर देखोगे तो ये कौन सी ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी इसकी, इधर साइड में राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी और ये कौन सी हो जाएंगी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये गिर जाती है। तो अच्छा, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो एक है सियोनाथ, कौन सी है, ये सियोनाथ है। दूसरी हसदो, हसदो आप भी हसदो थोड़ा सा, ठीक है। और तीसरी है मांड, ये मांड रिवर है। और फिर है आपकी इब, ये वाली रिवर इब है, ठीक है। तो ये रिवर ऐसे जा रही है यहाँ पर, ये तो चार तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज मेन मेन याद रखनी है आपको, सियोनाथ, हसदो, मांड और इब। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ओंग, तेल और जोंक। ओंग ये तो हो गई जोंक रिवर, ये हो गई ओंग रिवर और ये हो गई तेल रिवर, ठीक है। तो इन रिवर्स के बारे में आपको नाम याद रखना है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपकी सियोनाथ, हसदो, मांड, एब। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ओंग, तेल और जोंक, ठीक है, इनके बारे में आपको याद रखना है।
अच्छा, इसी रिवर के आसपास मैंने बताया था, इस रिवर पर एक डैम बना हुआ है, उस डैम का नाम है हीराकुंड डैम। ठीक है, इसकी पोजीशन देखें तो यहाँ पर उड़ीसा में इस जगह पर हीराकुंड डैम है। और भी वर्ल्ड में मतलब इंडिया में बहुत सारे डैम हैं, इनके नाम यहाँ पे दे रखे हैं। फिलहाल हमको जिसकी ज़रूरत है वो आप याद रखो, यहाँ पर कौन सा डैम है आपका, हीराकुंड डैम है। ठीक है, ये हीराकुंड डैम है। और हीराकुंड डैम के बारे में दो तीन चीज़ और देख लो आप। हीराकुंड डैम आपको पता ही है महानदी रिवर पर बना हुआ है, 15 किलोमीटर दूर है किससे, ठीक है, 15 किलोमीटर फ्रॉम सांबलपुर इन स्टेट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, और इसके पीछे एक लेक है जिसका नाम है हीराकुंड रिजर्वर, और 55 किलोमीटर लॉन्ग है। इट इज़ द वन ऑफ द फर्स्ट मेजर मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट स्टार्टेड आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। मतलब भारत जैसे ही आज़ाद हुआ तो उसके बाद पहला एक ऐसा मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट है जो आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ था। हाइट इसकी 61 मीटर है और इसको ओपन किया गया था 1957 में। तो ध्यान रखना, हीराकुंड डैम, महानदी रिवर, कौन सा स्टेट, उड़ीसा आपका स्टेट है। बस इतना चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। साथ ही साथ में हमारी ऐप आ चुकी है, लकी एजुकेशन ऐप, और इसको आप इंस्टॉल करें और यहाँ पर आपको बहुत सारे स्मार्ट कोर्सेस मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।